भाई साहब। प्रेम कपल और राव दोनों एक जैसे है रखमा, हमारे जीवन में आते तो है पर ठहरते नहीं है। आप इसमें इतना क्यों हंस रही है? हम यहाँ पे आपको अपना दुख बता रहे हैं और आप हंसी जा रही है। अगर आई साहब हमें क्षमा कर सकती है तो राव हमें क्यों क्षमा नहीं कर सकते? ताई साहब, आंखों में आंसू हो तो नजर धुंधला जाती है, इसीलिए शायद आप देख नहीं पा रही कि राव अब आपसे रूठे हुए नहीं है। उन्होंने राव से बात की थी और उन्हें समझाया था कि कर्तव्य मात्र पेशवा के नहीं पति के भी होते हैं। अणि अणि, राव ने उनकी बात काटी नहीं। सच? आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है ना? तो आइए एक काम कीजिए, आज बहुत शुभ दिन है, आप अपनी आंखें बंद करके महादेव से अपने दिल की बात कह दीजिए, रात पूरी होते होते बात पूरी हो जाएगी। इसे क्या हो गया? आप अंदर नहीं आएंगे? आप हाँ काशी भाई, मैं आपको छत पर बुलाने आया था। छत पे आप आएंगी ना? आप चलिए, हम आते हैं। हमें तो लगा था कि आज ये प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ेंगे, पर ये तो बही खातों में गुना भाग करने में व्यस्त है। सौत लाए हर बार। कुछ कहा आपने काशी भाई? जी नहीं तो। हम आपसे एक आवश्यक बात करना चाहते हैं। बाबा ने शाहू जी महाराज के नाम पर व्यापारियों से बहुत सारा ऋण लिया था, इस ऋण को चुकाना हमारा दायित्व है। धन कमाने की शुरुआत धन बचाने से होती और धन बचाने की शुरुआत घर से। अब मैं पेशवा हूं काशी भाई, और आप मेरी पेशविन भाई, इसीलिए मैं अपनी जिम्मेदारी आपके साथ बांटना चाहता हूं।
क्या हुआ? कुछ तो हुआ। क्या हुआ काशी भाई? भंडार घर और घर के खर्चे आपका दायित्व है पेशवे ने भाई। पता है बाबा, जब पेशवा थे तो सारी जिम्मेदारी आई साहिब ने उठाई थी। अब आप पेशवे भाई है, सारी जिम्मेदारी आप ही को उठानी है। गृहस्थ को दान हाथ खोल कर करना चाहिए और खर्च हाथ रोक कर। इसीलिए घर के खर्चे आप कम से कम करेंगी, कोई फिजूल खर्चा नहीं चाहिए मुझे। क्या हुआ काशी भाई, आप जिम्मेदारी से नाराज है? जी नहीं। फिर हमसे? हो सरकार, आपको स्वयं नहीं पता कि आपकी ये आंखें सावन बसंत बहार जैसे कितने मौसम अपने साथ लेके चलती हैं। आपने इतने शास्त्र पढ़े हैं, किसी में ये नहीं लिखा कि पत्नी की झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए? दिल से निकली कोई भी बात झूठ नहीं होती, पर झूठे दिल से निकली बात झूठी होती है। पर ये झूठ हम फिर से सुनना चाहते हैं, पर दूर से। इतना पास आना सही नहीं है। कभी हम दूर चले गए तो आप अधिक कठिनाई में पड़ जाएंगे। आपकी तो कठिनाई बढ़ गई है सरकार। रखो। चमा जी, अप्पा, हमें रखमा से कुछ बात करनी है। पर हुआ क्या है बहनी? ये बातें दो औरतें ही कर सकती हैं, हम आपके सामने नहीं कर सकते। रखमा, अब गलत सिद्ध हुई। आज का दिन कोई शुभ नहीं है और आज की रात तो बिल्कुल ही शुभ नहीं है। हमारी प्रार्थना तो ईश्वर ने सुनी पर समझी नहीं, बिल्कुल राव की तरह, जैसे राव समझते ही नहीं है। आप ही किसे इशारा कर रही हैं? हम बस ये कह रहे हैं कि धैर्य का फल मीठा होता है। नहीं 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 नहीं, हमें कोई मीठा फल नहीं खाना है। इस मीठे फल के चक्कर में वो समय कब आएगा जब हमारा भी मन खट्टा खाने को करेगा? पता है रखमा, आई साहब ने कितनी सरलता से कह दी कि हमें राव के साथ समय बिताना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को समझ सके। पन राव हमें समझने की जगह हमें बही खाते समझाएंगे तो कैसे चलेगा रखमा? हमारी आंखों में दो ही चीज है, एक आंसू और दूसरी राव की प्रतीक्षा। रखमा कब आए? पिताजी आपने सच कहा था, आज हमने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना कि शाहू महाराज ने बाजीराव को पेशवा बनाया है। जो होने वाला था आप वो पहले से ही जान गए थे। आप वक्त की धड़कन को सुन सकते हैं, अपनी बेटी के दिल के
मेरी बात क्यों नहीं सुन पाते? आप क्यों नहीं देख पाते कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं? आप क्यों नहीं देख पाते कि हम अपनी जान दे सकते हैं? पर आपको धोखा कभी नहीं दे सकते। सोने की पायल इस आया के पास कैसे आई? हे महादेव, आपने तो हमारी प्रार्थना सुनी भी थी और पूरी भी की थी। हम ही मूर्ख थे। जब देवता घर पे आए तभी हमें तीर्थ पे जाना था। आपसे क्षमा मांगने आया था काशी भाई। कल रात को आपको छत पर बुलाकर बही खाते और जिम्मेदारियों की बात कर आपका मन दुखाया काशी भाई। आपसे क्षमा मांगने के लिए यहां पर आया था पर आप कक्ष में थे ही नहीं। आपकी प्रतीक्षा करते करते आंख लग गई। रात की बात के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए काशी भाई। कुछ कर काशी, वरना रोती ही रहेगी कि राव और प्रेम का पल आते तो है पर ठहरते नहीं है। अरे ठहरते नहीं तो तू ही रोक लेना जाके। राव वो
सिपाहियों। ये लड़की मस्तानी है, मस्तानी हमें चाहिए, जिंदा या मुर्दा पकड़ो। इस बार मस्तानी को हमसे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। विश्राम कर सकते थे। नहीं जी साहिब, ऐसे ही बहुत विलंब हो चुका है, और विलंब नहीं होना चाहिए। संपत्ति के कागजात तैयार है? तैयार है बहू, लेकिन ये कागजात आपको किस लिए चाहिए? बाबा की मृत्यु शैया पर उन्हें जो वचन दिया था, उस वचन को निभाने के लिए इनकी आवश्यकता है। बाबा को दिया हुआ वचन निभा के आप आई का दिल तोड़ रहे हैं भाऊ। आई के साथ ये मत कीजिए। आई के दिए संस्कार ही है चिमा जी, वचनों का मोल प्राणों से भी अधिक होता है। आपको आपका कर्तव्य निभाना है तो निभाइए, पर जिनके कारण मेरे आई को चोट पहुंची है, उनके लिए मेरे मन में कोई सहानुभूति नहीं है। आपका कर्तव्य निभाइए और इस कहानी को समाप्त कीजिए। काश इस परिवार में मुझे कोई समझ पाता।